हम लोग फ्लावर की शब्दावली के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने एक पुष्प के बारे में, पुष्प क्या होता है, उसको डिफाइन किया था। और पुष्प के बारे में उसके जो विभिन्न प्रकार थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसके बाद हमने कुछ जो इसके पुष्प के पार्ट्स हैं, जैसे रिसेप्टिकल क्या होता है, पेरिएंथ क्या है, सेपल्स का जो चक्र है, कैलेक्स के बारे में, कोरोला के बारे में भी हमने पढ़ा था। और पुष्प किस प्रकार से पुष्प आसन पर लगे हुए हो सकते हैं इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। पॉलीपेटलस कंडीशन क्या है, गैमोपेटलस कंडीशन क्या है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा मुख्य रूप से हम लोग इसमें पुंकेसरों के बारे में और जो हमारे अंडप हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है जो पुंकेसरों का चक्र होता है उसको हम लोग पुमंग कहते हैं। जो पुमंग होते हैं ये तीसरा चक्र जो पुष्प का होता है वो पुमंग का होता है और उसकी प्रत्येक इकाई को हम लोग स्टेमेन या पुंकेसर कहते हैं। और ये पुंकेसर जो है वो मुख्य रूप से पुतंतु या फिलामेंट और एंथर या पराग कोश से बना हुआ होता है। और पराग कोश के अंदर जो परागकण या पोलेंस जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनको हम लोग पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। ये एंड्रोशियम को हम किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास इनकी संख्या कितनी है, वो कितने चक्र में पाए जा रहे हैं, ये आपस में संयुक्त हैं या नहीं हैं। अगर संयुक्त हैं तो इनके पुंतंतु संयुक्त हैं या इनके सिर्फ एंथर संयुक्त हैं या कम्प्लीटली संयुक्त हैं, या ये पेटल के साथ जुड़े हुए हैं या फिर वो जायांग के साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी आपस में अगर इनकी संख्या है तो ये कई सारे हैं, तो ये सभी एक ही समान लंबाई के हैं कि अलग अलग लंबाई के हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के बारे में जब हम लोग बताएंगे तो वो हमारा पुमंग का डिस्क्रिप्शन होगा। टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम की अगर हम लोग बात करें तो इनकी अगर संख्या कितनी है हमें वो बतानी होती है। इनकी संख्या एक हो सकती है, मोनैंड्रस हो सकता है, दो हो सकती है, डायएंड्रस हो सकता है, ट्राई टेट्रा इस प्रकार से, या फिर ये कई सारे हो सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में होते हैं उसको हम लोग पॉलीएंड्रस कहते हैं। फिर अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं हमें वो भी बताना होता है, जिसको हम लोग कोहिजन के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग पुतंतु की लंबाई के बारे में बात करें तो अगर सभी पुतंतु की लंबाई एक है तो हम उसको समदीर्घी कहते हैं या होमोडायनेमस कहते हैं। और अगर सभी पुतंतु जो है वो अलग अलग लंबाई के होते हैं तो उसको हेटरोडायनेमस कंडीशन कहते हैं। और हेटरोडायनेमस कंडीशन हमको धतूरा में नज़र आती है। इसके बाद जहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें चार पुतंतु पाए जा चार स्टेमेंस पाए जाते हैं, उनमें से दो जो है वो लंबे होते हैं और दो छोटे होते हैं, उसको डाईडायनेमस या द्विदीर्घी कंडीशन कही जाती है, जैसा हमें तुलसी के पुष्पों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से क्रूसीफरी या जो सरसों की फैमिली है उसमें टेट्राडायनेमस या चतुर्दीर्घी कंडीशन पाई जाती है। उसकी विशेषता ये होती है कि इसमें छह स्टेमेंस पाए जाते हैं जिसमें, और वो दो चक्र में व्यवस्थित होते हैं। जो बाहर वाले चार होते हैं उन जो बाहर वाले दो होते हैं उनकी लंबाई कम होती है, और अंदर वाले चक्र में चार होते हैं उनकी लंबाई ज़्यादा होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके जो स्टेमेंस हैं इनके कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, उसको संघ या संघी कंडीशन कहते हैं। जैसे एक संघी, द्विसंघी, बहुसंघी। इससे ये जब स्टेमेंस के पुंकेसर केवल पुतंतु आपस में जुड़े हुए होते हैं और सभी पुतंतु जुड़कर एक ट्यूब का निर्माण या नलिका का निर्माण करते हैं, उस कंडीशन को हम लोग एक संघी कंडीशन कहते हैं। और एक संघी कंडीशन जो है वो आप लोगों ने ज़रूर मालवेसी फैमिली के कुल में पढ़ी होगी, जैसे कि गुड़हल के फूलों में देखने को मिलती है। उसमें एक लंबी सी नलिका निकलती हुई आपको नज़र आती है, वो मोनोडेल्फस कंडीशन है। इसके बाद जो यहाँ बीच में आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है तो उसमें आपको डाईडायनेमस कंडीशन नज़र आ रही है। इसमें दो डाईडायनेमस में क्या होता है, दो समूह बनते हैं। जैसे आपने मटर फैमिली में देखा है
ज़्यादातर उसमें 9+1 हम लोग लिखते हैं। 9 जो स्टेमेंस हैं वो आपस में जुड़कर एक नलिका का निर्माण कर लेते हैं और एक स्टेमेन जो है वो अलग पाया जाता है, तो वो कंडीशन होगी डायडानिमस या जिसको हम लोग द्विसंगी कह सकते हैं। इसी के सेंटर में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें हमें जिसको हम पॉलीएडल्फस कंडीशन कहेंगे। इसमें क्या होता है कि पुंतंतु संयुक्त होकर कई सारे समूह बना लेते हैं, उसको हम लोग पॉली एंड पॉलीएडल्फस कंडीशन कहते हैं। और ये कंडीशन हमको जो संतरे की फैमिली है रूटेसी में देखने को मिलती है। इसके बाद आप देखिए एक साइड में आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें जो जो पुंकेसरों के जो स्टेमेंस हैं, जो इनके फिलामेंट्स हैं वो तो स्वतंत्र हैं, ठीक है, पर इनके जो पराग कोश है वो परस्पर संयुक्त हैं। संयुक्त भी इस प्रकार से होते हैं कि वो आपस में, अगर उनको हम अलग करना चाहें तो वो अलग हो सकते हैं, सिर्फ सटे होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। ये कंडीशन को हम लोग युक्त कोशी कंडीशन कहते हैं या सिंजनीशियस कंडीशन कहते हैं। और ये सिंजनीशियन कंडीशन हमको जो कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली है सूरजमुखी की फैमिली में देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें चित्र में नहीं दिखाया गया पर एक कंडीशन और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुकुरबिटेसी फैमिली में पाई जाती है जिसको हम लोग संपमंगी कंडीशन या सिनेंड्रस कंडीशन कहते हैं। सिनेंड्रस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें पराग कोश और पुतंतु दोनों ही, मतलब कि इनके स्टेमन के फिलामेंट्स और एंथस, ये दोनों ही आपस में जो है फ्यूज़ हो जाते हैं और वो कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोग जब स्टेमेंस की बात करते हैं, इसमें एक कंडीशन और आपको पता होनी चाहिए कि जो स्टेमेंस है अगर कई बार दो चक्र में पाए जाते हैं तो उसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग डिप्लोस्टिमेनस और एक कंडीशन को ऑफ डिप्लोस्टिमेनस कहते हैं, तो या द्विचक्र पुंकेसरी और दलापीमुख द्विचक्र पुंकेसरी, ये भी आपको याद रखनी है। जब पुंकेसर दो चक्र में होते हैं और जो बाहरी वाला चक्र के पुंकेसर हैं वो सेपल के ऑपोजिट होते हैं तो उसको द्विचक्र पुंकेसरी कहते हैं, और अगर स्टेमेंस दो चक्र में हैं और बाहर वाले चक्र का जो स्टेमन है वो पेटल के या दल के ऑपोजिट होता है तो उसको दलाभिमुख द्विचक्र पुंकेसरी कहते हैं। ये जब मैं आपको फैमिलीज कराऊंगी तब उसको और स्पष्ट कर दूंगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो हम लोग जयांग की बात करते हैं, और जो अंडपों का चक्र होता है उसको हम लोग जयांग कहते हैं। अब ये अगर हमारे किसी पुष्प में एक ही जयांग में जब एक ही अंडप हो तो उसको हम लोग मोनोकार्पिलरी या एक अंडपी कहते हैं। इसी प्रकार से जब जयांग में दो अंडप हो तो वो द्विअंडपी, तीन हो तो त्रिअंडपी, और चार हो तो टेट्राकार्पिलरी, और बहुत सारे हो तो उसको हम लोग पॉलीकार्पिलरी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर सभी जो अंडप हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जैसे रननकुलेसी कुल में देखा जाता है, तो उसको हम लोग पृथक अंडपी कहते हैं। और ये जब अंडप आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग युक्त अंडपी कहते हैं। और युक्त अंडपी में कोष्ठों की संख्या के आधार पर अगर एक कोष्ठ है तो हम उसको यूनिलोकुलर कहते हैं या एक कोष्ठी कहते हैं, अगर उसके अंदर दो कोष्ठ का निर्माण हो रहा है तो वो द्विकोष्ठी या बायलोकुलर होता है, अगर तीन है तो वो त्रिकोष्ठी या ट्रायलोकुलर होता है, इसी प्रकार से चतुर्कोष्ठी या टेट्रालोकुलर और पेंटालोकुलर हो सकता है, या अगर बहुत अधिक कोष्ठ हैं तो उसको हम लोग मल्टीलोकुलर भी कह सकते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि कार्पल जो है वो एक का बना हुआ हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, जैसे बाई ट्राई मल्टीलोकुलर मैंने बताया, और इनके बीच में जो वॉल होती हो उसको हम लोग सेप्टम कहते हैं, और इससे जो उसमें कोष्ठ बन उसके जो खाने बनते हैं अंडपों को उसको हम लोग कोष्ठ कहते हैं। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस या पुष्पासन पर अंडाशय की स्थिति, इसके आधार पर हम लोग तीन कैटेगरीज बता सकते हैं। जो मेन है वो है उद्धववर्ती या सुपीरियर। जब अंडाशय जो है वो पुष्पासन के सबसे ऊपर स्थित होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर ओवरी। और सुपीरियर ओवरी कौन से फ्लावर में पाया जाएगा, ये हाइपोगाइनस फ्लावर में पाया जाता है, जिसको हम लोग जायंगोपारिक भी कह सकते हैं। और दूसरा है जब इन्फीरियर ओवरी होती है जिसको हम लोग अधोवर्ती कहते हैं, या इन्फीरियर, जब अंडाशय पुष्पासन से संयुक्त होकर
या अन चक्र ऊपर लगे, उसके मतलब बाकी के चक्र जो हैं, जैसे वो स्टेमेंस हो गए, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, जब ये जयांग के ऊपर लगे हुए होते हैं और जो ओवरी होती है वो नीचे होती है, तो इसको हम लोग अधोवर्ती या इन्फीरियर कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो कंटेंशन होती है उसको हम लोग अर्ध अधोवर्ती या हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से ये गुलाब फैमिली में जो रोजेसी में पाई जाती है। अब उसके बाद ये जो डायग्राम है ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ये प्लेसेंटेशन के ऊपर है। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है कि जो अंडाशय है उसके अंदर जो बीजांड आसन होता है या प्लेसेंटा होता है और उस पर किस प्रकार से बीजांड लगे हुए होते हैं, ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है बीजांडासन में, उसको हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं। ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे जो आपको एक दिख रहा है वो मार्जिनल प्रकार का है। मार्जिनल जो है मतलब इसमें मार्जिनल जो है इसमें जयांग एक अंडपी होगा, मतलब कि एक अंडप में होगा और इसमें एक कोष्ठीय होगा और जो बीजांड होते हैं वो वेंट्रल सूचर पे लगे होते हैं। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये मार्जिनल है, ये एक्चुअली इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग समझेंगे, फिर मैं कभी आपको समझा दूंगी अलग से प्लेसेंटेशन कि ये जो मार्जिनल टाइप का है ये प्रिमिटिव टाइप का है। इसी से जब ये कई सारे संयुक्त हो गए तो इससे एग्जाइल बन सकता है,